वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका फ्रेंड्स कैफे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको स्कूटर मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करना बताएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सीएससी को लॉगिन करेंगे। दोस्तों, मैंने सीएससी अपनी पहले लॉगिन कर रखी है, और तो हम यहाँ पर इंश्योरेंस में जाएंगे। दोस्तों, इंश्योरेंस में जाएंगे तो यहाँ पर दो टाइप के इंश्योरेंस है, मोटर थर्ड पार्टी, मोटर कंप्रीहेंसिव। हम दोस्तों मोटर कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस बनाएंगे। तो ये दोस्तों, ये सारी की सारी अपनी कंपनीज हैं, अलग अलग ये खुल गई हैं। तो आज हम सबसे पहले HDFC अर्गो इंश्योरेंस कंपनी में सीखेंगे भी कैसे इंश्योरेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर CSC कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर ये सर्विसेज खुल गई हैं। तो हमने टू व्हीलर का इंश्योरेंस खरीदना है, तो हम खरीदेंगे आज इंश्योरेंस। अगर रिन्यू करना है तो वो बाद में देखेंगे, आज हम इंश्योरेंस बाय करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर हम व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके हम सबमिट करेंगे। तो दोस्तों, अमूमन डिटेल्स अपने आप फेंस हो जाती है, अगर नहीं होगी तो हम मैनुअली भी भर सकते हैं उसको। तो ये दोस्तों देखो, इसकी डिटेल जो सारी की सारी फैच होकर के अपने आप ही आ गई है। तो हम यहाँ पर कंप्रिहेंसिव कवर पे क्लिक करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर हम पॉलिसी किस टाइप की है उस पर सेलेक्ट करेंगे, कंप्रिहेंसिव कर देंगे। दोस्तों, प्रीवियस पॉलिसी हमारे पास है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम यहाँ पर अगर पॉलिसी हमारे पास है पिछली तो नोट एक्सपायर्ड, अगर पॉलिसी हमारी टूट गई है 90 दिन उसको नहीं हुए हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तब हम यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों। तो उसके बाद हम यहाँ पर ये पॉलिसी जो हम कर रहे हैं, तो ये 90 दिन से ज़्यादा हो गई है, पॉलिसी टूट चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर 90 दिन से ज़्यादा कर देंगे और यहाँ पर कैलकुलेट प्रीमियम करेंगे। दोस्तों, ये हमारा कोटेशन नंबर आ गया। दोस्तों, आप इसको लिख सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। तो ये दोस्तों देखिए, इसकी जो बाइक की वैल्यू आई है ये 30,082 निकल करके आई है। अगर इसको हम बढ़ाना चाहें तो इसके नीचे इसकी वैल्यू दी गई है, उसको हम अपने उसके अकॉर्डिंग हम घटा या बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है, इससे क्या होगा, ये प्रीमियम है उससे बढ़ जाएगा, लेकिन बाइक की कीमत भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये हमारा प्रीमियम निकल करके आ गया है। अब दोस्तों, पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, अगर ये आपको लेना है तो यहाँ पर इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। पर्सनल एक्सीडेंट कवर क्या है सर, कि अगर मान लो ओनर की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 15 लाख उसको डेथ क्लेम परिवार वालों को मिल जाएगा। भगवान ना ऐसा किसी के साथ करे, परंतु ये सूचना है, इसलिए इस बताने जरूरी है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों, हम कस्टमर की डिटेल दोबारा फिर फिल करेंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल मिस्टर, ये नाम पहले से ही आ गया है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उनका मोबाइल नंबर भर देंगे। दोस्तों, मेल आईडी भर देंगे। दोस्तों, उसके बाद एरिया क्या है, गांव का नाम या सेक्टर है, वो यहां पर हम फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, व्हीकल की डिटेल्स है, ये हम फिल कर देंगे। इसने चेसी नंबर वगैरह, इंजन नंबर वगैरह ये सब अपने आप उठाया हुआ है, हम एक बार RC में इसका मिलान जरूर कर लेंगे। अगर इसमें नहीं आता है तो हम यहाँ पर मैनुअली भर देंगे। अब इसमें आ जाएगा नॉमिनी नेम भर देंगे हम। उसके बाद दोस्तों, उनकी एज कितनी है वो भर देंगे। रिलेशन क्या है, तो ये अलग अलग है, तो ये
हम इसका रिलेशन यहाँ पर हम भर देंगे जो भी रिलेशन है नॉमिनी का, उसके बाद प्रोपोजल जनरेशन करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पेज खुल करके आ गया है, यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई हैं। तो हमारा ये इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम मेक पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपने CSE ID का पासवर्ड भर देंगे, वैलिड पिन भर देंगे और दोस्तों हमारी पॉलिसी उसी समय तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब लाइक जरूर करना दोस्तों। थैंक्स दोस्तों।